नाम बताइए। मेरा नाम कुंती कुमारी है। मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए मतलब जॉब के लिए आई हूँ। तो मुझे तो अभी कॉल सेंटर में मतलब कि मिला है जॉब की। आइए इसमें मतलब मैं आपको जॉब देते बोल करके। कहाँ के रहने वाले हैं? आदित्यपुर टू में रहती हूँ। ठीक है। और आप किस कंपनी में इंटरव्यू दिया आपने पता है? जो आपकी आप किस संस्था के द्वारा आपको ये सब कार्यक्रम करवाया? सबल संस्था। सबल के द्वारा करवाया। यस सर। ठीक है। तो आप जॉब करोगे तो आप अपने जैसे बच्चियों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे? यस सर। हम चाहते हैं सभी से कि जितने भी लोग मतलब जितने भी हमारे जैसे भाई बहन हैं उन लोगों को जॉब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कि उसके माध्यम से वो अपना अपना खुद का खर्चा उठा सके। वो किसी पर निर्भर ना रहें, ना मम्मी पापा पे, ना भाई बहन पे, वो खुद पे निर्भर रहें। बस इतनी चाहेंगे कि जितनी भी कंपनियां आई हैं यहाँ पे जो भी मतलब जो भी इंटरव्यू देने आए हैं उनको कुछ ना कुछ जॉब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आशा दे दी है कि जॉब मिलना होगा और आए हैं सब सोच करके और मिले ना, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। यस सर। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मुशावन जमशेदपुर से आया हूँ। आपने क्या इंटरव्यू दिया था जी? थोड़ा किसके लिए इंटरव्यू दिया? यहाँ पे कैंप लगा था। आपको सुनने में दिक्कत है ना? जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इंटरव्यू ऐसा होते रहना चाहिए आप जैसे लोगों के लिए, ऐसा माने कार्यक्रम होता रहना चाहिए? जी ठीक है, धन्यवाद। शर्मा जी आप बहुत एक माने एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और आप एक अच्छे माने बिजनेसमैन हैं शहर के, तो इस तरीके की जो इंटरव्यू होती है ये इंटरव्यू का क्या सही लाभ मिलता है क्या है? आप बताइए अपना पूरा नाम बताने का। मैं रमेश कुमार शर्मा। एक्चुअली ऐसा है कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर मिलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये NGO और जितने भी सबल है या अदर लोकल NGO जो भी हैं ये सभी लोग का प्रयास रहता है कि लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए और ये उनका प्रयास है और अच्छा प्रयास है। अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा प्रयास है और उन लोगों को धन्यवाद मैं दूंगा कि जिन्होंने ये प्रयास किया है। और इसमें सभी जो भी वॉलंटियर्स हैं काम करने वाले लोग हैं या सबल हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको चाहूँगा कि मैं भविष्य में ये हमेशा इस तरह का कार्य करते रहें जिससे कि लोगों को रोज़गार उपलब्ध होने का होता रहे और ये वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया TV ऑनलाइन इन TV मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब एक बात कही थी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी और वो बात थी दिव्यांगजन। दिव्यांगजन का मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ न कुछ एक विशेष एबिलिटी है उनको दिव्यांगजन उन्होंने कहा था। और आज हमारे शहर में झारखंड में सबल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और रोजगार मेला का भी आयोजन करता है। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग जहाँ पे हैं ये सबल का कार्यालय है और यहाँ पर आज 30 नवंबर 2022 को एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया जिसमें कई एक जगह से लोग आए, पूरे झारखंड से लोग आए और यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जॉब के लिए अपने बायोडाटा या अपने वो सब डिटेल्स लेकर आए और लेकर आने के बाद उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनका एक सिलेक्शन का सिस्टम बना। तो वो सिस्टम क्या था कि सबल ने ऑर्गेनाइज किया और उसके टेक्निकल हेड्स जो हमारे यहाँ पे सारे मैनेजमेंट को देखती हैं दीक्षा, तो मैं दीक्षा से ही जानना चाहूँगा कि आज क्या क्या कार्यक्रम था और कैसे कैसे इसको आपने किया। श्योर। सो बेसिकली हमने ये जॉब फेयर जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए किया था। दिव्यांगजनों के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें
तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये कौन से काम कर सकता है, राइट? तो हमारा ये मकसद है कि ये पर्सपेक्टिव को चेंज करें, हम एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा विजन ही है कि लाइफ ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विद अ डिग्निटी। तो इसी के से हमने 2017 में सबल के लिए काम करना शुरू किया। हमारे पहले सेंटर जो है वो नुआ मुंडी में है, दूसरी सुकिंदा और ये तीसरी सेंटर है सबसे नई। हमने मार्च से यहाँ काम करना शुरू किया है। तो जब हम हमारे एक्टिविटीज़ और थोड़े से बात करते हैं उसके बारे में, तो ना कि सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और पेंशन लिंकेज हमारी काम है, बट उसके साथ साथ हम एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सारे दिव्यांगता को लेके हम उन पे काम कर रहे हैं, जिनमें से अभी हमारे एक एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है। कुछ और भी कार्यक्रम होते हैं जैसे जॉब फेयर, डिसेबिलिटी कैंप, इसमें भी सबल का सहयोग रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो हमारे जमशेदपुर में जितने लोकल कंपनी हैं उनके साथ हमने कोलैबोरेट करा, और उसके साथ साथ चेशायर होम के साथ कोलैबोरेट करके हमने ये पूरा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें 7 कंपनियाँ आई थी, अलग अलग कंपनीज़, कोई जैसे उज्जीवन बैंक था, कुछ एंटरप्राइजेस थी जो उसका हिस्सा बनी, और ये पूरे जॉब फेयर को हमने कंडक्ट किया, जहाँ पे 200 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए। तो ये 200 लोग जो आए, जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट्स आए या जॉब के लिए लोग आए, तो उन सब लोगों को लगभग वो सब फैसिलिटी मिली जिसके लिए आपने आज आयोजन किया? बिल्कुल, हमारा मकसद ये है कि दिव्यांग लोग जो हैं सबको एक तरीके से देखा जाए, और ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कोई आता है और सारे दिव्यांग को सेम ट्रीटमेंट ना मिले, राइट? तो सारे दिव्यांगजनों को जिस हिसाब से, जिस कंपनी की एलिजिबिलिटी थी, जिस कंपनी ने जिस हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी नोट डाउन करवाया था, उसी हिसाब से हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने सबको एक कलर कोडेड टोकन दिया था, जहाँ पे उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो कलर कोडेड टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उसी के थ्रू हमने एक एक कंपनीज के साथ उनकी इंटरव्यूज़ करवाई। अच्छा, शिक्षा, डिसेबिलिटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम इंडिया के लोग इसको बहुत ज़्यादा मीट कर रहे हैं, और बहुत बेहतर काम अभी इस पे हो रहा है। सबल जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप यंग सिटीजन हैं गवर्नमेंट इंडिया के, भारत के, झारखंड के, शहर के, तो आप क्या प्रोस्पेक्टिव देखती हैं कि आप आने वाले टाइम में जो हमारे इस तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं, क्या हम लोग 100% उन तक पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना ज़रूरी है? क्योंकि एक एक व्यक्ति को इस मेन स्ट्रीम में लाना, रोज़गार से जोड़ना, उनके ज़िंदगी के सारे उन सुख सुविधा को मुहैया करवाना एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या लगता है आपको, कैसे हम लोग उस तक पहुँच पाएंगे? एक्चुअली ये बात सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा टाइम ये हो जाता है कि हम सिंपथी की नज़र से देखते हैं, जबकि हमें एम्पथी के नज़र से देखना चाहिए। तो वो एक पर्सपेक्टिव है जो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी कि एम्पथी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो बात करने में हो, कम्युनिकेशन में हो, या फिर आपके एक्शन में हो। उस चीज़ को एम्पथी में लाना, जब हम वो शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव चेंज होने लगेगा कि ठीक है, इस तरीके से भी चीज़ों को किया जा सकता है, राइट? सो बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइलिंग है जहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे तो लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो हमें पता नहीं थी। और सबसे ज़रूरी बात है सेंसिटाइजेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, देयर फैमिलीज एज वेल एज पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज़। तो जब तक वो सेंसिटाइजेशन कम्युनिटी में आएगा, तब चीज़ें जो हम मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, बेसिकली हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की कम्युनिटी में, जब वो आने लगेगा तो बदलाव खुद से आने लगेगा। जी दीक्षा, लास्ट सवाल, क्योंकि आप मैं बहुत चैलेंजिंग चीज़ों को अपने हाथ में लिया है और बहुत सुंदर तरीके से इसको आपने इसको मैनेज किया है और बहुत ज़्यादा लोगों तक फैसिलिटी पहुँचाई है, तो आप इस सेक्टर में आई, तो आप जो यूथ हैं आप जैसे एज के, क्योंकि ये सोशल काउज है, एक एक आदमी के ऊपर जिम्मेवारी है, जैसे आपने कहा कि उनको सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको पूरा करना है, और ये भी एक उसमें से आता है, तो आप यंगस्टर्स से क्या कहना चाहेंगे जो आप जैसे एज में कॉलेज में हैं या जॉब प्रोफाइल में जा रही हैं अभी या जा रहे हैं, उन सब लोगों के लिए कैसे अपने सबल से जोड़ेंगी या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ेंगी या ऐसे मुहिम से जोड़ेंगी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों का, मैसेज क्या देना चाहेंगे? सो बेसिकली हमारी टीम तो है, उसके अलावा भी हम अपने वॉलेंटियरिंग टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि टाटा स्टील के जितने वॉलेंटियर्स हैं वो इस
पूरे इनिशिएटिव का एक हिस्सा बन पाए। तो आज भी कई टाटा स्टील के वॉलेंटियर्स हमारे साथ थे, तो हम ये जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम इंश्योर करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े। तो जैसे मैंने बोला अगेन, सिंपथी डजंट प्ले अ रोल, एम्पथी प्लेज। तो जब तक हम वही वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज़ करवाते रहेंगे, थोड़ा उनको अपने हिस्से मतलब पार्ट बनाते रहेंगे, वो चेंज और ये इन्फॉर्मेशन आगे खुद से चली जाएगी। तो अगर हम एक बंदे को सेंसिटाइज करते हैं, वो खुद एक दिन के लिए इतना सेंसिटाइज हो जाते हैं कि वो फिर आगे जाके लोगों को इस बारे में बताते हैं। सो उस तरीके से कनेक्ट बिल्ड करने से मेरे को लगता है कि ये आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत 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 धन्यवाद दीक्षा, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी। और आप जैसे इन्वेस्टर्स इतने सुंदर मुहिम के ऊपर जुड़े हुए हैं, देखिए वो हमारे बीच सिंपैथी रखने की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ये कहा कि वो इम्पैथी रखिए उनके साथ और उनको अपने बीच के लोग समझिए, आपके बीच से ही वो निकल कर आते हैं। सिंपैथी उनके साथ रखा जाता है कि जिनको आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये तो आपके ही बीच के लोग हैं, आपके बराबर हैं और किसी किसी सेक्टर में तो आपसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं वो और अपने आप को प्रूव करते हैं। इसीलिए आज ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें बहुत सफलतापूर्वक बहुत सारे लोग आए और जिसको बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया गया और सुंदर तरीके से उनको प्लेटफॉर्म दिया गया जिससे अपने जीवन को जी सकें और वो दिव्यांगजन हमारे राष्ट्र के निर्माण में, हमारे राज्य के निर्माण में और हमारे समाज के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करें। नमस्कार डॉक्टर अनुष।